Hello everyone, welcome back to another video tutorial of Life Science Zoology. In this video we're gonna be discussing about paper 3rd, animal ecology and biostatics. Paper 3rd mein hum first unit discuss karne ja rahe hain, which is ecology. To start karte hain iski definition se, theek hai? So living organisms are inseparably related with their physical and biological surrounding. The interrelationship of organism with their physical and biotic environment is studied under a separate discipline of science called environmental biology or ecology. अब इसका मतलब ये होता है कि कोई भी organism जो कि एक particular environment में रहता है, ठीक है, कोई भी एक ऐसा organism जो एक particular environment में रहता है, उसका कोई ना कोई relation होता है दूसरे individual से, दूसरे organism के साथ में और particular environment में जिसमें वो रहता है उसके साथ में, ठीक है. तो इस चीज़ को हम अलग branch में पढ़ते हैं जिसे हमने नाम दिया है ecology, ठीक है. दूसरे तरीके से समझें तो ecology is a scientific study of how living organism interact with one another and with their physical environment, ठीक है. तो जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि कोई भी organism मान लीजिए एक particular environment में रहता है, तो दूसरे organism के साथ में उसका क्या relationship है और environment के साथ में किस तरीके से वो interact करता है, तो ये हम अलग branch में पढ़ते हैं जिसे हमने ecology बोल दिया है. अब इसमें दो चीज़ें आती हैं. First one is physical and biotic environment. तो दो फैक्टर होते हैं जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज़ फिजिकल फैक्टर, अनदर इज बायोटिक फैक्टर. फिजिकल फैक्टर को आप नॉन लिविंग फैक्टर्स भी बोल सकते हो, एबायोटिक फैक्टर भी बोल सकते हो, और बायोटिक फैक्टर को आप लिविंग फैक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है. तो इसमें अलग चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसमें कुछ अलग चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं. तो नेक्स्ट है द टर्म ओइकोलॉजी और इकोलॉजी वॉज कॉइंड इन 1866 बाई जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल. तो सबसे पहले जो इकोलॉजी वर्ड कॉइन किया था वो क्या था, अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में, ठीक है. फ्रॉम द ग्रीक ओइकोस मीन्स हाउस और हैबिटेशन एंड लोगोस मीनिंग डिस्कोर्स और स्टडी, ठीक है. तो ओइकोस स्टैंड फॉर हैबिटेशन एंड लोगोस स्टैंड फॉर स्टडी, हैबिटेशन स्टडी, और आप इसे बोल सकते हो इकोलॉजी, ठीक है. नेक्स्ट है सब डिवीज़न ऑफ इकोलॉजी. अब इकोलॉजी के दो सब डिवीज़न है. फर्स्ट वन इज़ ऑटो इकोलॉजी और ऑटो इकोलॉजी बोल सकते हो आप इसको. सेकंड वन इज़ सिनोकोलॉजी, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले करते हैं ऑटो इकोलॉजी को डिस्कस. अभी ऑटो इकोलॉजी क्या होता है, ऑटो इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीसीज ऑफ बायोटिक और एबायोटिक इन्वायरमेंट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पीसीज इकोलॉजी. अब इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए किसी भी एक इन्वायरमेंट में एक पर्टिकुलर स्पीसीज रह रही है या कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रहता है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की या उसकी स्पीसीज की स्टडी क्या कहलाती है, ऑटो इकोलॉजी कहलाती है, ठीक है. नेक्स्ट है ऑटो इकोलॉजी डील्स विद द न्यूट्रिशन ग्रोथ रिप्रोडक्शन development and life history of the individual of a species in a given environment. अब एक particular given environment में उस organism की क्या nutrition रहा है, growth रहा है, reproduction rate क्या रही है, उसका development कैसा रहा है, उसकी life history कैसी रही है, ठीक है. तो ये हम study करते हैं किसके अंदर, ऑटो इकोलॉजी के अंदर, जिसमें हम particular एक species की या एक organism की study करते हैं, ठीक है. Next है सिनोकोलॉजी. सिनोकोलॉजी में क्या होता है, सिन इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है. उसमें हमने एक पर्टिकुलर स्पीसीज की या फिर एक ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल की स्टडी करी थी, लेकिन सिनोकोलॉजी में हम क्या स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप्स की स्टडी कर रहे हैं, या आप बोल सकते हो कम्युनिटी की स्टडी हम करते हैं सिनोकोलॉजी में, ठीक है. सच एज पॉपुलेशन, बायोटिक कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम एंड देयर इन्वायरमेंट विच आर associated together as a unit. It can be differentiated into population ecology, community and ecosystem ecology or the ecology of population. तो आप इसको ecology of population भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें
अलग अलग जैसे दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन की स्टडी हम करते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट, जैसे मान लीजिए एक ये स्पीसीज है, इसकी पॉपुलेशन दूसरी स्पीसीज है, इसकी पॉपुलेशन, तो एक कम्युनिटी बना के रह रही है, तो हम उसकी कम्युनिटी को स्टडी को हम किस में कंसिडर करते हैं, सिनो इकोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी। अब इकोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस रहती है, अंडरस्टैंडिंग और द नॉलेज ऑफ इकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट टू, ये कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज मेंटेन ए हेल्दियर एंड मोर प्रोडक्टिव बायोस्फीयर फॉर द लाइफ ऑफ ह्यूमंस एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आपको पता है कि हम ह्यूमंस जो हैं इन्वायरमेंट पे टोटली डिपेंड करते हैं, इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं उसी पे हमारी जो लाइफ है डिपेंड करती हैं, तो उसमें फैक्टर आते हैं, फिजिकल फैक्टर भी आते हैं और बायोटिक फैक्टर भी आते हैं, ठीक है, तो हम टोटली इन पर ही डिपेंड करते हैं। तो जब तक हमें इकोलॉजी के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो हम एक हेल्दियर और प्रोडक्टिव बायोस्फीयर नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और जब तक हम एक प्रोडक्टिव बायोस्फीयर नहीं बना पाएंगे तब तक ऑफकोर्स हमारी लाइफ भी इफेक्टेड रहेगी उस चीज़ से, ठीक है। तो इसीलिए हमें इकोलॉजी की स्टडी जो है ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड प्रिंसिपल फॉर रेशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफन रिफर्ड टू एज कंजर्वेशन। अब हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लिमिटेड अमाउंट में ही प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उनका किस तरीके से कंजर्वेशन किया जाए, कैसे उनको कंजर्व करके रखा जाए, ये भी हमें इकोलॉजी के अंदर जो है इसका पता चलता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड ए बेसिस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ अ गुड कंजर्वेशन ऑफ पॉलिसी, स्पेशली इफ दोज इंटरेस्टेड विद नेचुरल रिसोर्सेज हैव इकोलॉजिकल नॉलेज इन सच फील्ड, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, रेंज मैनेजमेंट, फिशरीज एट्सेट्रा, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे पॉइंट था सेम उसी की तरह यही कंजर्वेशन एक तरीके से हमें पता चलती है किस तरीके से हम चीज़ों को जो है कंजर्व कर्व के रखे, जो फैक्टर हमें जो हमारी लाइफ को जो है इफेक्ट करता है ह्यूमंस की या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब हमारे इन्वायरमेंट में दो मेन फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल और एबायोटिक फैक्टर्स, सेकंड वन इज़ लिविंग और बायोटिक फैक्टर्स। सबसे पहले पढ़ लेते हैं फिजिकल और एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में जो फिजिकल फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लाइफ को इफेक्ट करते हैं वो है सोयल, वाटर, एयर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो ये हमें थोड़ा डीपली पढ़ना होगा, तो अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनका कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सोयल के बारे में। सोयल कंटेंस ए वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एडिशन टू ग्रेवल। बैक्टीरियाज आर वेरी यूजफुल एंड फॉर्म द मोस्ट ऑफ द न्यूमरस इनहैबिटेंट ऑफ द सोयल। अब आपको पता है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है उनका हैबिटेट क्या होता है, सोयल होता है। सोयल में बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए और हमारे लिए भी। तो इसी तरीके से सोयल एक की रोल प्ले करती है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर। इट कवर्स अबाउट 73% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड प्रोवाइड द मोस्ट एक्सटेंसिव मीडियम फॉर अ मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स। आपको पता है कि 73% ऑफ द अर्थ सरफेस कौन कवर करके रखता है, वाटर करता है, मतलब सी। और सी के अंदर कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और कितने सारे ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट जो है वो सी है। तो उसी तरीके से वाटर जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक बहुत ही वाइटल फिजिकल फैक्टर है। नेक्स्ट आता है एयर। एयर फॉर्म द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ। इट कंसिस्ट मेनली ऑक्सीजन विच इज़ 20%, नाइट्रोजन 79%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, H2O एंड फेसेस ऑफ इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम, नियोन, क्रिप्टोन, आर्गन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। अब इनर्ट गैसेस को छोड़कर जितने भी दूसरे गैसेस हैं लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारी गैसेस जो है लिविंग और ऑर्गेनिज्म की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है किसको, प्लांट्स को वगैरह को, तो वाटर ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट है ही। तो ये सारे जो फैक्टर जो है हमें इफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस ऑल द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एयर सर्व एज ए रॉ मटेरियल एंड प्ले
ईच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है. नेक्स्ट, टेम्परेचर. टेम्परेचर इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इकोलॉजिकल फैक्टर. इट कंट्रोल्स रिप्रोडक्शन रेट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट माइग्रेशन एंड अ नंबर ऑफ बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अब आपको पता है कि जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे बर्ड्स वगैरह अपने अंडे जो एग्स वगैरह देते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है. ठीक है. और माइग्रेशन में भी जो है टेम्परेचर एक वाइटल रोल जो है प्ले करता है. तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट कौन करता है? इन्वायरमेंट. और ये सारी चीज़ें इफेक्टेड होती है इन्वायरमेंट से. तो इन्वायरमेंट भी जो है एक वाइटल फिजिकल फैक्टर है जिसे हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब नेक्स्ट आता है बायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक फैक्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं. एनी लिविंग कॉम्पोनेंट दैट अफेक्ट अनदर ऑर्गेनिज्म और शेप द इकोसिस्टम. दिस इंक्लूड बोथ एनिमल्स दैट कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म विद इन देयर इकोसिस्टम एंड द ऑर्गेनिज्म दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड. अब एबायोटिक फैक्टर्स कौन से थे? जो कि नॉन लिविंग फैक्टर्स थे, हमने उनको एबायोटिक फैक्टर जो है कंसिडर किया था. लेकिन बायोटिक फैक्टर्स में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की लाइफ को जो है इफेक्ट करते हैं. ठीक है. हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे इस तरह के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इफेक्ट करते हैं. तो उन फैक्टर्स को हमने क्या बोला है? बायोटिक फैक्टर बोला है. ठीक है. अब दिस इंक्लूड बोथ एनिमल्स दैट कंज्यूम और अदर ऑर्गेनिज्म विद इन देयर इकोसिस्टम दैट एंड द ऑर्गेनिज्म दैट इज़ बीइंग कंज्यूम्ड. तो कंज्यूम करने वाला और होने वाला दोनों ही इकोसिस्टम में जो है हमने उनको किसमें दोनों फैक्टर को क्या बोला है? हमने बायोटिक फैक्टर बोला है. ठीक है. तो इसमें दो रिलेशनशिप हम देखने जा रहे हैं. फर्स्ट वन इज इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप, सेकेंड वन इज इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप. अभी इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप क्या होता है? द इंटरेक्शन अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इज नॉन एज इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप. ठीक है. मान लीजिए एक इन्वायरमेंट में जो है एक पर्टिकुलर स्पीसीज रहती है, ये एक ऑर्गेनिज्म है उस स्पीसीज का और ये दूसरा इंडिविजुअल है. तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसे हमने क्या नाम दिया? इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप. ठीक है. और ये दोनों ही सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. वेयर एज इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप में क्या होता है? द इंटरेक्शन अमंग द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इज नॉन एज इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप. अब इस रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में किसी भी दूसरी स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म और किसी दूसरी स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये एक दूसरी स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म है और ये कोई सेकेंड स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों के बीच में जिस तरीके का भी रिलेशनशिप होगा हमने उसको क्या, उस इंटरेक्शन क्या बोला है? इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप. तो ये डिफरेंस है इंट्रा स्पेसिफिक में और इंटर स्पेसिफिक में. इसमें सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, इंडिविजुअल इंक्लूड होते हैं. इसमें क्या होता है? डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्लूड होते हैं. ठीक है. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी. इस वीडियो हम बायोटिक फैक्टर्स और रिलेशंस बिटवीन स्पीसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. फर्स्ट है बायोटिक फैक्टर्स. हमने पिछले वीडियो में भी बायोटिक फैक्टर जो है वो डिस्कस किया था, फिर से देख लेते हैं. बायोटिक फैक्टर्स आर द लिविंग एलिमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट. ठीक है. जो लिविंग एलिमेंट्स है उसको हमने क्या बोला है? बायोटिक फैक्टर्स. और जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स थे उसको हमने क्या बोला था? एबायोटिक फैक्टर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप. द इंटरेक्शन अमंग द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप. अब हमने देखा था कि मान लीजिए दो इंडिविजुअल हैं सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल में इंटरेक्शन हुआ तो उसको हमने क्या टर्म दिया था? इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप. लेकिन यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है दो इंडिविजुअल के बीच में, लेकिन ये डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं तो उसको हमने क्या बोला? इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप. ठीक है. अब इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट इज न्यूट्रलिज्म, सेकंड इज सिम्बायसिस, थर्ड इज एंटागोनिज्म. अब न्यूट्रलिज्म में क्या होता है? जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि न्यूट्रल है यहाँ पे,
तो जब भी दो स्पीसीज का आपस में इंटरेक्शन होता है तो उसमें दोनों स्पीसीज को किसी भी तरीके का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना तो उन्हें बेनिफिट हो रहा है और ना ही उन्हें हार्म हो रहा है, तो वो न्यूट्रल हैं, दोनों स्पीसीज ही न्यूट्रल हैं। नेक्स्ट इज सिम्बायसिस। अब सिम्बायसिस में क्या होता है, दोनों ही स्पीसीज जो है बेनिफिट में जा रही हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है, दूसरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन लॉस में कोई भी स्पीसीज नहीं जाती यहाँ पे। तो हमने इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है, म्यूचुअलिज्म और कॉमनसेलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म में दोनों ही स्पीसीज बेनिफिट में जाती हैं, दोनों ही स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है, दोनों ही स्पीसीज को फ़ायदा हो रहा है। कॉमनलिज्म में एक को फ़ायदा हो रहा है लेकिन दूसरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ना तो उसको नुकसान हो रहा है ना फ़ायदा हो रहा है, वो न्यूट्रल है। नेक्स्ट इज एंटागोनिज्म। अब इस तरह के इंट्रक्शन में क्या होता है, एक स्पीसीज को डेफिनेटली तरीके से नुकसान ज़रूर होगा, एक स्पीसीज उसमें से हार्म में जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी चार तरीके के फिनोमिना होते हैं, फर्स्ट इज एंटीबायसिस, सेकंड इज पैरासिटिज्म, थर्ड इज प्रीडेशन एंड कॉम्पिटिशन। एंटीबायसिस में क्या होता है, एंटीबायसिस में एक स्पीसीज को नुकसान हो रहा है और दूसरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, एक स्पीसीज को हार्म हो रहा है, दूसरी न्यूट्रल है। नेक्स्ट पैरासिटिज्म। अब इसमें क्या होता है, एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरी को नुकसान हो रहा है, ठीक है। प्रीडेशन में क्या हो रहा है, एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरी को नुकसान हो रहा है। अब देखने में पैरासिटिज्म और प्रीडेशन एक जैसे लगते हैं, बट इसमें डिफरेंस है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक। कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन में दोनों को ही नुकसान हो रहा है, दोनों ही स्पीसीज नुकसान में जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सिम्बायसिस। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मे बी फॉर फूड, शेल्टर, सबस्टेम और ट्रांसपोर्ट। अब ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से सिम्बायोसिस इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो हमने सिम्बायोसिस को क्लासिफाई अलग कर दिया था म्यूचुअलिज्म में, तो म्यूचुअलिज्म पढ़ लेते हैं। अभी म्यूचुअलिज्म भी दो तरीके का होता है, ठीक है, म्यूचुअलिज्म विद कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट, म्यूचुअलिज्म विदाउट कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट, ठीक है। फर्स्ट है म्यूचुअलिज्म विद कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूटी में कॉन्टैक्ट बना रहता है, परमानेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप है ये, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, बैक्टीरिया ऑफ द जीनस राइजोबियम बैक्टीरिया फॉर्म न्यूड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। आपने देखा होगा जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो किसकी वजह से होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से। अब इसमें म्यूचुअलिज्म कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, अब राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या ऑब्टेन कर रहा है, CO2 फ्रॉम द प्लांट और अदर सब्सटेंस भी ऑब्टेन कर रहा है प्लांट से, ठीक है। बदले में प्लांट को क्या मिल रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है प्लांट को। तो यहाँ पर प्लांट को भी फ़ायदा हो रहा है और राइजोबियम को भी फ़ायदा हो रहा है, तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो ये किस तरीके का इंट्रैक्शन हो गया या किस तरीके का रिलेशनशिप हो गया, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म विदाउट कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट। उसमें कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट था वो परमानेंट टाइप का था, इसमें विदाउट कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट है, ये टेम्परेरी टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें इन दिस टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म पार्टनर और सिम्बायोटिक आर रेयरली अटैच टू ईच अदर, तो वो बहुत रेयरली एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, और वो आते हैं तो भी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमनसेलिज्म। इसमें हमने देखा था कि म्यूचुअलिज्म में क्या था, दोनों ही बेनिफिट में जा रही थी स्पीसीज, ठीक है। कॉमनसेलिज्म में क्या हो रहा है, एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। वन गेट बेनिफिटेड, अदर हैज़ नो इफेक्ट। इसमें भी कॉमनलिज्म विद कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट और एक होता है विदाउट कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉमनलिज्म विद कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट। हाइग्रोस्कोपिक प्लांट्स आर फाउंड ग्रोइंग ऑन द ब्रांचेज एंड ऑन द फोक ऑफ ट्रीज। आपने कभी देखा होगा कि जो बहुत बड़े फॉरेस्ट होते हैं उसमें क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से सनलाइट नहीं जाती है ग्राउंड पे, तो क्या कुछ प्लांट क्या करते हैं कि ब्रांचेज पे ही ग्रो करना शुरू कर देते हैं, अटैच होना शुरू कर देते हैं एक तरीके से। दे डू नॉट ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द ट्री। अब वो उनसे किसी भी तरीके का नरिशमेंट नहीं ले रहे हैं, वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो बस अटैच्ड हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, जिस प्लांट पे वो अटैच है उस प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो प्लांट अटैच है उसको क्या है, बेनिफिट हो रहा है। तो कॉमनलिज्म में एक स्पीसीज को बेनिफिट हुआ, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस ये जो कॉन्टैक्ट में रहते हैं, कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ये परमानेंट।
कम्युनलिज्म है। नेक्स्ट है कम्युनलिज्म विदाउट कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होता है, ये टेम्परेरी कॉन्टैक्ट होता है, इसमें परमानेंट कुछ भी नहीं होता। टेम्परेरी कॉन्टैक्ट बिटवीन द एनिमल्स कॉमन जेल्स इज सीन इन द शकर फिश एंड द शार्क और द वेल। अब जो शार्क होती है, वेल होती है, काफ़ी बड़ी होती है साइज में, तो कुछ शकर फिशेस क्या करती हैं, जाके अटैच कर जाती है उनके माउथ के पास। तो क्या करती हैं, वो जब भी कोई खाना खाती है तो कुछ पार्ट उसमें से ले लेती हैं। ऑल दो शार्क और वेल को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या होता है, जो शकर फिश है वो उसको बेनिफिट हो जा रहा है। तो यही होता है कॉमनलिज्म में, एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पे शकर फिश को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन शार्क और वेल को यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। पर ये टेम्परेरी कॉन्टैक्ट होता है, जैसे ही उसको अपना फूड मिला वो डीअटैच हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटागोनिज्म, द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज इन विच वन और बोथ आर हार्म्ड इज टर्म इज एंटागोनिज्म। अब इसमें हमें या तो ऐसा होता है कि किसी एक स्पीसीज को नुकसान होता है, या फिर दोनों ही स्पीसीज को क्या होता है, हार्म होता है, लेकिन हार्म जरूर होता है, ठीक है, किसी भी एक स्पीसीज को या फिर दोनों को भी हो सकता है। तो फर्स्ट इसको हमने क्लासीफाई किया हुआ है एंटीबायोसिस, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन और कंपटीशन। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं एंटीबायोसिस। इसमें क्या होता है, वन गेट हार्म्ड अदर हैज़ नो इफेक्ट। इसका एग्जांपल है फंजाई प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय पैथोजन विच आल्सो रिजल्ट इन द डेथ ऑफ फिश एंड कैटल दैट ड्रिंक दैट वाटर। अब जैसे वाटर होता है, वाटर के अंदर फंजाई होती है, वो कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती है, पेनिसिलिन एक्सेट्रा। तो वो क्या करती हैं, वाटर में जो पैथोजन है उनको किल करने के लिए होती हैं। बट होता क्या है कि कुछ फिशेस जो वो, या फिर कुछ कैटल जो वो पानी पी लेती है, तो उनकी भी डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फंजाई को यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, फंजाई को कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक को क्या हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, उनकी डेथ हो जा रही है। तो एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे फंजाई को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन एक स्पीसीज को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है यहाँ पे। तो ये किस तरीके का रिलेशनशिप हो गया, एंटीबायोसिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज पैरासिटिज्म। अब इस तरह की इंट्रेक्शन में क्या होता है, एक स्पीसीज को फ़ायदा हो रहा है, दूसरी को नुकसान हो रहा है। अब पैरासाइट होता क्या है, अ ऑर्गेनिज्म दैट रिसाइड ऑन और इन द बॉडी ऑफ अ लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट्स टिश्यूज। अब पैरासाइट क्या करते हैं, वो या तो किसी की बॉडी के ऊपर या फिर अंदर अटैच हो जाते हैं और उसका उससे क्या लेते हैं, नरिशमेंट लेते हैं खुद के लिए। तो यहाँ पर पैरासाइट को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन होस्ट को हमेशा क्या होता है, नुकसान होता है। पैरासिटिज्म इज एन वन साइडेड रिलेशनशिप फॉर द पैरासाइट विच ऑलवेज गेट बेनिफिट फ्रॉम द होस्ट। अब यहाँ पे पैरासाइट जो होता है हमेशा उसको फ़ायदा होता है, लेकिन जो होस्ट होता है उसको हमेशा क्या होता है, नुकसान होता है। इस तरह के इंट्रेक्शन को हमने क्या बोला है, पैरासिटिज्म, ठीक है, जिसमें पैरासाइट को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन होस्ट बॉडी को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ पैरासाइट। फर्स्ट इज पार्शियल पैरासाइट, those organisms which spend only a part of their life cycle on the host are called partial or temporary parasite। जो कुछ इस तरीके का इंटरेक्शन जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की कुछ लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट ही जो है एज अ पैरासाइट रिएक्ट करता है, तो उसको क्या बोला है हमने, पार्शल पैरासाइट, वो परमानेंट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोकीडियम लालवा अटैच इट्सेल्फ ऑन अ फिश। अब इसमें क्या किया, ग्लोकीडियम लार्वा ने अपने कुछ लाइफ साइकिल का थोड़ा सा ड्यूरेशन जो है वो फिश के ऊपर अटैच करके बिताया, वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पर उसे क्या, नरिशमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही वो अडल्ट हुआ वो डीअटैच हो जाता है फिश से, ठीक है। नेक्स्ट इज परमानेंट पैरासाइट, स्पेंड देयर एंटायर लाइफ एज पैरासाइट। तो इनकी जो लाइफ है पूरी की पूरी जो है पैरासाइट के तरीके से बीतती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इज अ एंडो पैरासाइट प्रोटोजोन्स दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट। तो ये होस्ट से दूसरे होस्ट में चला जाता है, लेकिन ये हमेशा क्या है, एज अ पैरासाइट ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रीडेशन। अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि डिफरेंस क्या होता है पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में। द टिपिकल प्रीडेशन इज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैचेज किल्स एंड डिवोर्स इंडिविजुअल्स ऑफ अदर स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल लॉयन है, लॉयन ने डियर को क्या किया, किल कर दिया, ठीक है, उस पर फीड किया। तो यहाँ पर जो है वो लॉयन बेनिफिट में गया, लेकिन डियर को क्या हुआ, नुकसान हुआ। सेम हो रहा था
पैरासिटिज्म में। बट यहाँ पे फ़र्क क्या है कि पैरासिटिज्म में होस्ट को किल नहीं करता है पैरासाइट पूरी तरीके से, रेयर केसेस में ऐसा हो जाता है कि होस्ट जो है मर जाता है, लेकिन प्रेडेशन में डेफिनेटिव तरीके से क्या हो रही है, डेथ हो रही है यहाँ पे जो होस्ट है उसकी, ठीक है। तो प्रेडेशन में क्या है, वो किल कर देता है, लेकिन पैरासिटिज्म में ऐसा नहीं होता, वो अपने नरिशमेंट के लिए उसे यूज करता रहता है। तो ये डिफरेंस है। और इसमें क्या होता है, एक स्पीसी क्या है नुकसान में जा रही है और दूसरे में दूसरे को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों स्पीसीज को क्या है, नुकसान होता है, दोनों को ही हार्म होता है। द एक्टिव डिमांड बाई टू और मोर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है, जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में विद इन द स्पीसीज और मेंबर ऑफ टू और मोर स्पीसीज ऑफ द सेम ट्रॉपिकल लेवल फॉर अ कॉमन रिसोर्स, ठीक है। अब मान लीजिए लिमिटेड अमाउंट में फूड सोर्स अवेलेबल है, ठीक है, और एक स्पीसीज या फिर दो इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के उसी फूड रिसोर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, ठीक है, वो आपस में लड़ेंगे उसके लिए, तो दोनों को ही नुकसान है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो इंडिविजुअल लेकिन वो डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं लेकिन सेम ट्रॉपिक लेवल पे हैं, या तो उन्हें हैबिटेट सेम चाहिए या फिर उनका फूड रिसोर्सेज भी क्या है सेम है, तो वो भी उसके लिए फाइट करेंगे, लेकिन इससे क्या है, दोनों को ही नुकसान होता है, ठीक है। तो कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन तरीके के कंपटीशन में क्या होता है, इस तरह के इंट्रैक्शन में दोनों स्पीसीज को क्या हो रहा है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर होता क्या है। लिमिटिंग फैक्टर इज अ रिसोर्स और इन्वायरमेंटल कंडीशन विच लिमिट द ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन और अबंडेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन विद इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। तो जब भी इन्वायरमेंट में रिसोर्स की कमी हो जाती है या फिर ऐसी कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन जो कि फेवरेबल नहीं है किसी भी पॉपुलेशन के लिए, उससे क्या होगा कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, अबंडेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन फैक्टर्स ने क्या किया, पॉपुलेशन की ग्रोथ को इफ़ेक्ट किया, ठीक है। तो वो फैक्टर जो भी पॉपुलेशन की ग्रोथ को जो है डिक्रीज कर रहे हैं या इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उसको हमने क्या बोला, लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। अब पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो दो तरीके से होती है, वो कैसे, वो देख लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रो एट ज्योमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल रेट इन द प्रेजेंस ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज। जब भी इन्वायरमेंट में अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, मतलब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या है, पॉपुलेशन दो तरीके से ग्रो करेगी, पहला है ज्योमेट्रिक, दूसरा है एक्सपोनेंशियल रेट, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती है, ज्योमेट्रिक पॉपुलेशन ग्रोज थ्रू पल्स रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये पल्स रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये हमें देखने को मिलता है डियर में। आपने देखा होगा कि डियर का पर्टिकुलर एक सीज़न होता है रिप्रोडक्शन का, ठीक है, वो उसी सीज़न में ही रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ज्योमेट्रिक पॉपुलेशन जो है वो पर्स्ड होता है कि इनका एक पर्टिकुलर सीज़न होता है रिप्रोडक्शन का। दूसरा है एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन। एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रो कंटिन्यूसली विद रिप्रोडक्शन अकरिंग एट एनी टाइम सच एज ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन्स बींग में कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं होता है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो वो कंटिन्यूस होता है। एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन रेट जो होता है वो कंटिन्यूस होता है और ज्योमेट्रिक जो होता है वो पर्स्ड होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है ऑल पॉपुलेशन बिगिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द फेवरेबल इन्वायरमेंट एंड एट अ लो पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो जब इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी पहले से कम है तो वो कुछ एक्स्ट्रा जो है वो ग्रोथ शो करेगी। पहला तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, दूसरा डेंसिटी पहले कम है तो वो ऑफ कोर्स इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हाउएवर ज्योमेट्रिकल एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन नॉट कंटिन्यू इनडेफिनेटली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पॉपुलेशन ने ग्रो करना शुरू किया तो वो ग्रो करती ही चली जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। एक टाइम पर वो ग्रो करना रुक जाएगी या उनकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। इन नेचर पॉपुलेशन ग्रोथ मस्ट इवेंचुअली स्लो एंड पॉपुलेशन साइज सीजेस टू इंक्रीज एज रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो एंड इवेंचुअली स्टॉप।
नेक्स्ट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज़ कैरिंग कैपेसिटी। अब ये कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीसीज इन एन एनवायरमेंट इज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्पीसीज दैट द एनवायरमेंट कैन सस्टेन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? कैरिंग कैपेसिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे कि एक बार में, ठीक है, एक टाइम पर जो इन्वायरमेंट है एक स्पीसीज के कितने इंडिविजुअल को जो है सपोर्ट कर पा रहा है। ठीक है, वो होता है उसकी क्या? कैरिंग कैपेसिटी। आपको पता है कि इन्वायरमेंट में लिमिटेड अमाउंट में क्या है? रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर इन्वायरमेंट में एक स्पीसीज के 1000 इंडिविजुअल को इन्वायरमेंट सपोर्ट कर पा रहा है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि मान लो 1000 से ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, इन्वायरमेंट के लिए वो मुश्किल हो जाएगा कि उसको प्रॉपर तरीके से वो फूड, हैबिटेट, वाटर या फिर नेसेसिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो कैरिंग कैपेसिटी क्रॉस कर गया वहाँ पे। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा कि इन्वायरमेंट कुछ ऐसा करेगा, या तो कुछ नेचुरल डिजास्टर आ जाएंगे या फिर ऐसे कोई डिजीज़ पैदा हो जाएगी जिससे क्या है पॉपुलेशन डिक्रीज होना शुरू कर देगी। ठीक है, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे डिजीज़ हैं जिसकी वजह से क्या होता है पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है। हम ह्यूमंस ने अपनी कैरिंग कैपेसिटी ऑलरेडी जो है वो क्रॉस कर दी है, तो जिसकी वजह से क्या है इन्वायरमेंट ऐसा कुछ करता है जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज़ होने लग जाती है, या तो कोई डिजीज़ आ जाता है या कोई नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह। ठीक है, इन पॉपुलेशन बायोलॉजी कैरिंग कैपेसिटी इज डिफाइन एज द इन्वायरमेंट मैक्सिमम लोड। इट मीन्स एक टाइम पर इन्वायरमेंट कितना मैक्सिमम लोड ले सकता है उस पर्टिकुलर स्पीसीज का, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म को समझाने के लिए दो साइंटिस्ट ने अपने लॉ दिए थे, उसमें से हम पहले पढ़ने जा रहे हैं लेबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम, या फिर आप इसको लेबिग्स लॉ या फिर लॉ ऑफ मिनिमम भी बोल सकते हो। ठीक है, जस्टिस लेबिग इन 1840 वाइल स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द अवेलेबल अमाउंट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, या फिर आप इसको रिसोर्स भी बोल सकते हो, एंड प्लांट ग्रोथ, डिस्कवर द क्रॉप यील्ड वॉज फ्रीक्वेंटली लिमिटेड बाई सच एलिमेंट्स विच आर यूटिलाइज इन लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब लेबिग्स ने क्या करा, एक डिस्कवरी करी, उसमें क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में उन्होंने क्या क्रॉप लगाई। अब उन्होंने नोटिस किया कि इस क्रॉप की ग्रोथ के लिए ऑफकोर्स रिसोर्स इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो रिसोर्स जो कि मैक्सिमम अमाउंट या फिर ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हैं वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि वो रिसोर्सेज जो कि कम अमाउंट में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से जो है वो आया लॉ ऑफ मिनिमम, कि जो मिनिमम अमाउंट में रिसोर्सेज हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए वो रिसोर्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट रहेंगे जितने कि वो रिसोर्स जो कि ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। अब उन्होंने क्या किया कि वो रिसोर्स दिए उस क्रॉप को जो कि पहले से वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही ज़्यादा, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो रिसोर्स पहले ही उसके पास में थे। ठीक, लेकिन जब उन्होंने ऐसा देखा कि जो रिसोर्स मिनिमम अमाउंट में वहाँ पे अवेलेबल है उन्होंने उस रिसोर्स को प्रोवाइड किया इस क्रॉप को, तो नोटिस क्या किया कि जो प्लांट है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पा रहा है और ग्रोथ दिखा रहा है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि वो रिसोर्सेज जो कि मिनिमम अमाउंट में अवेलेबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जो कि वो रिसोर्सेज जो कि ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो है उस एरिया में। द कंसेप्ट इज डिस्क्राइब एज लेबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम। ठीक है, इट होल्ड दैट द ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ फूड स्टफ दैट इज प्रेजेंट इन द मिनिमम क्वांटिटी, राइट, दैट इज लेबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम। नेक्स्ट है सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट लॉ है जो कि किसने दिया था, शेल्फोर्ड ने। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, द लॉ ऑफ टॉलरेंस पोस्टुलेट दैट इकोलॉजिक फैक्टर टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स हैज मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिटिंग इफेक्ट दैट अ वैल्यू बिलो एंड क्रिटिकल मिनिमम और अ फैक्टर इज एक्सेस ऑफ द क्रिटिकल मैक्सिमम वुड एक्सक्लूड सर्टन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द इन्वायरमेंट एरिया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इन्वायरमेंट में जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो क्या करते हैं, लिमिटिंग फैक्टर के अगेंस्ट जो है टॉलरेंस शो करते हैं। ठीक है, अब एक लिमिट तक जो है ऑर्गेनिज्म के लिए कोई भी चीज़ है वो ज़रूरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो CO2 है,
ठीक है, वो क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा हो जाना वो क्या करेगी, प्लांट के लिए हार्मफुल हो जाएगी। तो उसे एक लिमिट तक ही जो है प्लांट टॉलरेट कर सकते हैं। उस लिमिट से कम या उस लिमिट से ज़्यादा, दोनों ही क्या है, खतरनाक साबित हो सकते हैं किसके लिए, प्लांट्स के लिए। सो दैट इज़ लॉ ऑफ टॉलरेंस। अकॉर्डिंग टू सेल्फोर्ड, ऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर हैव अ टॉलरेटिंग टॉलरेबल लिमिट, द क्रिटिकल मिनिमम एंड क्रिटिकल मैक्सिमम। सो ये दो जो है वो टॉलरेबल लिमिट्स हैं। नेक्स्ट है द रेंज बिटवीन द क्रिटिकल मिनिमम एंड क्रिटिकल मैक्सिमम इज़ नोन एज लिमिट ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, तो जो रेंज आती है बिटवीन क्रिटिकल मिनिमम एंड क्रिटिकल मैक्सिमम के बीच में, अपन ने उसको क्या नाम दिया, लिमिट ऑफ टॉलरेंस। नेक्स्ट है, ए प्लांट और एन एनिमल मे हैव अ वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस फॉर वन फैक्टर बट लो रेंज ऑफ टॉलरेंस फॉर अनदर फैक्टर। इट मीन्स कि कोई भी प्लांट या एनिमल किसी भी एक फैक्टर के लिए बहुत ज़्यादा वाइड रेंज रख सकता है टॉलरेबल की, लेकिन दूसरे फैक्टर के लिए क्या है, बहुत ही नैरो रेंज होगी टॉलरेंस की। ठीक है, मतलब किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है लेकिन दूसरी चीज़ को बहुत ही कम टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑर्गेनिज्म विद वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस फॉर ऑल फैक्टर आर लाइकली टू बी मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। इट मीन्स कि जो ऑर्गेनिज्म के पास में टॉलरेंस ज़्यादा होती है सभी फैक्टर को टॉलरेट करने की, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर को क्या टॉलरेट कर पा रहा है, जैसे कि टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशंस, इन सब के अगेंस्ट जो है वो लड़ सकता है, उसके पास में टॉलरेंस है, तो ऑफकोर्स उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। ग्रोथ ज़्यादा होगी तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दो टर्म आती हैं, यूरी एंड स्टेनो। यूरी मीन्स हैविंग वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस, स्टेनो मीन्स हैविंग नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस। अब कुछ फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं वो यूरी थर्मल होती हैं, इट मीन्स उसमें वाइड रेंज होती है टॉलरेट करने की, किसको, टेम्परेचर को। ठीक है, बट वहीं पे जो फ्रेश वाटर फिश है वो स्टेनो हेलाइन होती है, इट मीन्स उसमें नैरो रेंज होती है किसको टॉलरेट करने की, सोल्ट को टॉलरेट करने की। तो थर्मल मीन्स टेम्परेचर, हेलाइन मीन्स सॉल्ट, एंड हाइड्रोलिक मीन्स वाटर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने डिस्कस